हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्थानीय लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं लेसन प्लान अपलोड कर रही हूँ, तो उसका टॉपिक है ब्लड। ओके, तो ये टॉपिक है आज का लेसन प्लान ब्लड का, ब्लड पे बना हुआ है। ओके, सब्जेक्ट ये बायोलॉजिकल साइंस से है, जो कि बायोलॉजिकल साइंस से हैं तो उनकी डिमांड थी कि मैं ब्लड पे लेसन प्लान बनाऊँ, तो फिर मैंने ब्लड पे लेसन प्लान आपके लिए अपलोड किया हुआ है। और डेट आप कोई भी डाल देंगे, ये सिंपल आपको ऐसे एंट्रीज करनी है, जैसे कि आप अपने हर एक लेसन प्लान में एंट्रीज करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही आपको इस लेसन प्लान में भी एंट्री करनी है। और ये जो लेसन प्लान लिया गया है वो है NCERT की क्लास 7th से। पीरियड आप जिस पीरियड में पढ़ा रहे हो वो हो ड्यूरेशन 35 मिनट्स की। तो ये हो गए सिंपल एंट्रीज, आप ऐसे सिंपल एंट्रीज आप कर देंगे यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि आगे हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स के लिए या बीएड के टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको अब तो यहाँ तक तो इतना पता ही हो गया होगा कि जब भी आप, अगर आपको लेसन प्लान बनाने हैं तो क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जनरल ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मैंने अपने हर एक लेसन प्लान में, पिछले वीडियो के लेसन प्लान में मैंने बताया हुआ है कि जनरल ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सा होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सी मीनिंग में आप समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका रीज़न होता है। तो ये सिर्फ आपको लिखना होता है अपने लेसन प्लान में। तो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, आप मिनिमम 4 to 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। सिंपल से है, जनरल ऑब्जेक्टिव आप रीड कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की हेडिंग आती है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के भी अंदर ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 to 5 सफिशियंट है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर्स पढ़ा रहे हो तो चैप्टर्स क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, या बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनके क्या उद्देश्य हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टीचिंग एड। अब देखिए, टीचिंग एड में यहाँ पे चार्ट पेपर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे चार्ट पेपर लिख दिया गया है। ओके, तो आप जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। और यहाँ पे सिर्फ चार्ट पेपर लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जो यूज़ कर रहे हैं, पेन, पेपर, स्केच, पेंसिल, और या जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड है, चॉक है, डस्टर है, मार्कर है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज भी आपको कुछ ऐसे लिख देना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पर। देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने हर लेसन प्लान में अपने बताया है कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो होता है सेट इंडक्शन स्किल से मैच करता हुआ, ठीक है। जैसे आप सेट इंडक्शन स्किल बनाते हैं वैसे ही आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का पार्ट बनाएंगे। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि और भी लेसन प्लान हमारे चैनल पे अपलोडेड है, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, और भी सारी कंप्लीट स्किल हमारे में चैनल पे अपलोडेड है। आगे हम इकोनॉमिक्स के भी, कॉमर्स के भी लेसन प्लान अपलोड करेंगे, और भी बीएड से रिलेटेड की फाइल जो है, एजुकेशनल फाइल है, ठीक है, लाइक साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, टेस्ट फाइल है, आगे हम ये सारी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये हो गया, सीरियल नंबर आपको लेना है, और ये प्यूपल टीचर एक्टिविटी स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो ये कुछ कॉलम आप बनाएंगे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड कर लें कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, इसी तरह से आपको भी बनाने हैं। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसा
बनाने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर थर्ड क्वेश्चन, ये इसका आंसर। आप ये सारे क्वेश्चन को रीड आउट कर लें, जब रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर आप वही अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बनाया गया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। अब जैसे ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको टॉपिक अनाउंस कर देना होता है और बोर्ड पर लिख देना होता है। तो बस यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर आपने बोर्ड पर लिख दिया, टॉपिक को अनाउंस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, ठीक है। प्रेजेंटेशन के पार्ट को डेवलपमेंटरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्लैश करके। चलिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस और ब्लैक बोर्ड का। ये आपने ये कुछ कॉलम बनाए। जब आप ये कॉलम्स बना रहे हैं फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो डेवलपिंग क्वेश्चन, ये उनके आंसर, और ये जो लास्ट वाला डेवलपिंग क्वेश्चन है ये नो रिस्पांस का होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप दूसरा ऑप्शन ये है आपके लिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन के पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड किया है तो आप चाहे ऐड भी कर लें, ऐड कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट आता है ब्लड। तो जब ये आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाता है ब्लड, यहाँ पर आपने हेडिंग लिख दिया। अब ब्लड को आप रीड आउट कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ ब्लड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लड के बारे में कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, इन एक्सप्लेनेशन को आप रीड करेंगे, आप समझेंगे तो आप समझाएंगे। तो इन्हें यहाँ तक आप रीड कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस कॉलम में आपको कुछ ऐसे लिखने होते हैं, आप यहाँ तो ब्लैक बोर्ड पर के चाहे तो आप कुछ वर्क भी कर सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ तक आप रीड कर लीजिए ताकि आपसे कोई पॉइंट छूटे नहीं, स्किप ना हो। अगर आपका एक पॉइंट नहीं छूटेगा तो आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा बनेगा। और हाँ, दूसरी चीज़, आप लेसन प्लान को समझने के लिए और उसे पॉज भी कर सकते हैं, बैक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, कंप्लीट हो गया फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। यहाँ पर यहाँ तक भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अपडेट कर लीजिएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारे कॉलम है फिर वैसे ही कॉलम बनेंगे, ठीक है। सेकेंड टीचिंग पॉइंट अब हमारा आता है तो कॉलम तो वैसे ही बनेंगे नेक्स्ट पेज पर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्या है, इवैल्यूएटरी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये उसका आंसर है। जब आपने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट किया तो आपने एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ पर आपने लिख दिया। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको भी। चलिए तो अब आता है डेवलपिंग पार्ट। ये हो गया डेवलपिंग क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया डेवलपिंग, ये इसका आंसर। आपको पता है लास्ट वाला डेवलपिंग क्वेश्चन ये हो गया और ये आपको पता है कि ये इसका नो रिस्पांस हो गया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो सेकंड टीचिंग पॉइंट ये हो गया आरबीसी, इसमें भी अभी कुछ और पॉइंट्स आएंगे। तो ये आपके कुछ सेकंड पॉइंट्स हो गए हैं और ये देखिए आरबीसी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वर्क भी यूज़ किया गया है और यहाँ पर इस कॉलम में ये यूज़ किया गया है, आप भी ऐसे कर लेंगे। अच्छा, तो आप इन्हें रीड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ये अब आप इसे भी पढ़ लीजिए, ओके। तो यहाँ तक हो गया आरबीसी के बारे में, ओके। सेकंड टीचिंग पॉइंट में आरबीसी के बारे में यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में भी, ठीक है। ये सेकंड टीचिंग पॉइंट में वो फर्स्ट पॉइंट था आरबीसी और ये सेकंड पॉइंट था डब्ल्यूबीसी, ये सब सेकंड पॉइंट के अंदर आते हैं, ओके। सो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ यहाँ पर लिख दिया और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क भी आपने कर दिया, इसे आप रीड कर लीजिएगा।
समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे ही आप लेसन प्लान को टीच कर दीजिएगा और क्लासरूम में परफॉर्म कर दीजिएगा। ओके, ये थर्ड पॉइंट है, ये जो है प्लेटलेट्स, ये सेकेंड टीचिंग पॉइंट का थर्ड पॉइंट है। यस, यहाँ तक आप देख लीजिए, अनदर टाइप ऑफ, यहाँ तक आप देख लीजिए, इसे भी आप रीड कर लीजिए। ओके, सो ये हो गया यहाँ तक आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट में, थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है, प्लेटलेट्स तक है। ओके, सो यहाँ पर आपका ख़त्म कंप्लीट होता है, आप रीड कर लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके। अच्छा, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन का पार्ट, और यहाँ पर एक इवेल्यूटरी क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है, ये है उसका आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। ओके, चल उसके बाद क्या आता है आपको पता है, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, बस इतना सफिशिएंट है, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क, देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊंगी कि आप वाइट चार्ट पेपर ना यूज़ करके अगर आप ब्लैक यूज़ करते हैं या ग्रीन चार्ट यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, चलिए तो कुछ इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क भी करके दिखा देंगे, जैसे कि आप नॉर्मली ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं क्लासरूम में, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी वर्क करने हैं। ठीक है, ओके, सो लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क, आ जाता है आपका होमवर्क आ जाता है। तो ये आपने होमवर्क दे दिया। ओके, सो लास्ट में आपने होमवर्क दे दिया, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये लेसन प्लान ब्लड का। आपको कैसा लगा ये लेसन प्लान हमें आप कमेंट करके बताएं, और भी हम लेसन प्लान्स को अपलोड करेंगे और भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करेंगे बीएड से रिलेटेड, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark.